अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा CSS3 का लेक्चर नंबर 45 है, जिसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स के बटन देखेंगे। ओके, हम बटन्स के डिफरेंट स्टाइल देखेंगे। जैसे हम पहले सिंपल बटन क्रिएट करेंगे, देन हम बटन के अंदर डिफरेंट कलर्स क्रिएट करेंगे, बटन के डिफरेंट साइजेस देखेंगे, बटन के डिफरेंट राउंडेड बॉर्डर देखेंगे, देन हम बटन को एक ग्रुप की शेप कैसे दे सकते हैं वो देखेंगे, देन हम बटन ग्रुप विद बॉर्डर देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट जो है टाइप्स की बटन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक सिंपल बटन क्रिएट करते हैं। तो आपको पता है हम जब HTML5 में बटन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम बटन का टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन का टैग यूज़ कर लिया, जिसमें मैंने बटन का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ले लिया। इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप दरमियान में मिड में कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन ही लिख देता हूँ। ठीक है, देन इस बटन को सिंपल स्टाइलिंग देने के लिए मैं इसे क्लास दूंगा BTN। ओके, BTN वैसे तो आपको पता है बूटस्ट्रैप 4 में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चले मैं यहाँ पे कंप्लीट बटन लिख देता हूँ। कहीं आप ये ना कहें मैं कहीं बूटस्ट्रैप 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 इस्तेमाल नहीं करने वाला। मैं प्योर CSS3 के जरिए इसको स्टाइलिंग करूँगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये आपको सिंपल सा एक बटन नज़र आएगा। ये देखें, ये आपको एक सिंपल सा बटन नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक कॉर्नर में आपको सिंपल सा एक बटन नज़र आ रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS3। तो चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर मैंने यूज़ किया स्टैटिक, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन को मैंने जीरो कर दिया और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया। देन मैंने कहा डॉट, आपको पता है क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। आगे मैंने कहा बटन जो नाम की क्लास है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये देखें, ये जो आपको उसके अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे इसे थोड़ा अच्छा लेके करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंदरूनी साइड से इसे पैडिंग दूंगा। तो टॉप और बॉटम से मैंने 12 पिक्सल पैडिंग दे दी, लेफ्ट और राइट से मैंने 32 पिक्सल पैडिंग दे दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन इसका जो बॉर्डर है वो मैंने सेट कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैं फॉर एग्जांपल सेट कर देता हूँ एक्वा। ठीक है, एक्वा नहीं सही रहेगा, यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं चलें। ठीक है, कुछ भी कलर दे देते हैं। ओके, और इसका जो फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट साइज़ वो हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पिक्सल। ठीक है, ये कर लिया। अगर मैं अब आपको दिखाऊं, ये सिंपल सी स्टाइलिंग पहले मैंने किया, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये आपको सिंपल सा एक बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बन गया बटन। और अगर मैं चाहता हूँ मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ तो मेरा क्या हो, ये कर्सर में चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी, जो मेरा कर्सर है, कर्सर वो पॉइंटर की शेप बन जाए। ठीक है, पॉइंटर बन जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखना, जैसे ही मैं इसके ऊपर ये देखें, ये कर्सर लेके जाता हूँ, ये पॉइंटर की शेप में बन जाता है। ठीक है, ये था सिंपल बटन। अब हम देखते हैं बटन के डिफरेंट कलर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके सामने क्या करता हूँ, इसी बटन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 बटन ले ली हैं। तो ये मेरा फॉर एग्जाम्पल है बटन 1, ये मेरा बटन 2, ये बटन 3, ये बटन मेरा 4 और ये बटन मेरा 5 हो गया। ओके, देन इनको मैंने सबको सेम स्टाइलिंग करने के लिए एक क्लास दिया बटन, और इन सबको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं इनको क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल BTN 1। ओके, देन यहाँ पे भी BTN। ओके, तो ये क्लास दे दी। देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ओके, ये हो गया। अब देखें ज़रा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इनको डिफरेंट कलर्स देता हूँ। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ ये कैसे करना है, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये 5 बटन क्रिएट हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनको थोड़ा मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मार्जिन, मार्जिन टॉप से मुझे मार्जिन चाहिए फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल का, और लेफ्ट और राइट से मार्जिन चाहिए फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल का, ठीक है। और तो ये मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें ये बटन को थोड़ा मैं नीचे ले आया हूँ, तो ये 5 बटन आपको नज़र आ रहे हैं। इनको अब मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो इनको बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं सबसे पहले क्लास यहाँ पे सबको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देना है, तो उसके लिए आप सबको वन बाई वन डिफरेंट वन बाई वन इन सबको एक्सेस करना पड़ेगा इनको डिफरेंट कलर देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक्सेस किया BTN 1 को, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास चांद एक बैकग्राउंड कलर, मैं यहीं सेट कर देता हूँ Ctrl C, ठीक है। देन इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है BTN 2, और यहाँ पे है BTN 3, यहाँ पे BTN 4, यहाँ पे BTN 5, और इसको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर हम देना सीखते हैं, ये कर लिया। देन इसको भी मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ मैं जाता हूँ और इसे इसको ये कलर देता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे भी इसी तरह, ठीक है, तो ये कर दिया। ओके, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो रिफ्रेश करता हूं, और ये देखें ये डिफरेंट कलर्स हमने इनको दे दिए हैं सबको। ओके, अगर आप इसका बॉर्डर हटा देंगे तो ये बॉर्डर यहां से हट जाएगा, तो ये देखें यहां से ग्रीन बॉर्डर हटा के मैं यहीं से वाइट बॉर्डर दे देता हूं, वाइट, ठीक है, ताकि ये हमें ज़रा छल नज़र आए। ओके, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये अब आपको बटन नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। ये था पहले हमने देखा सिंपल बटन क्रिएट करना, फिर हमने क्या सीखा, अपने बटन को डिफरेंट स्टाइल कलर्स देना। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं विद बॉर्डर डिफरेंट कलर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर की बजाय क्या कर देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर कितना 1 पिक्सल सॉलिड और इस कलर का। ओके, ये हो गया। देन ये देखें इसको अब बॉर्डर मिल जाएगा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर सेट कर, बॉर्डर अब मैं दे चुका हूँ सबको, इनको अब मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबको ब्लैक, सॉरी वाइट, वाइट देता हूँ, ठीक है, वाइट दे देता हूँ, आपने गौर करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दे दिया, और इनका जो वाइट फॉल जो कलर है वो सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, BLAC के ब्लैक, ठीक है, ये सेट कर दिया। अब आप ज़रा गौर करना, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें अब मैंने क्या किया, अब मैंने आगे मैंने पहले सबको डिफरेंट कलर्स दिए थे बैकग्राउंड, अब मैंने सबको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सेम दे दिया, लेकिन बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने सबको डिफरेंट दे दिया। तो ये देखें ये पाँचों का बॉर्डर कलर जो है कितना प्यारा लग रहा है डिफरेंट। ओके, अब हम देखते हैं अब क्या क्या सीख लिया हमने, सिंपल बटन क्रिएट करना हमने सीखा, उसको सिंपल सा स्टाइल करना सी तरीके से, फिर हमने ये सीखा हम सबको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं, फिर तीसरे नंबर पर हमने ये सीखा कैसे हम डिफरेंट बॉर्डर कलर दे सकते हैं सबको। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमने ये सीखनी है इनको डिफरेंट हम स्टाइल मीन साइजेस कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये हम सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अब हम इनको डिफरेंट जो है वो देना सीखते हैं, क्या बोला, कलर्स, ओ सॉरी साइजेस। तो यहाँ पे वाइट की बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रीन कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ और इनको सबको मैं कह देता हूँ फॉन्ट साइजेस दे देता हूँ, तो अब आप गौर करना, ठीक है, यहाँ पे देखना। अगर दोस्तों अपने अपने तमाम बटन्स को जो है डिफरेंट साइजेस देने हो, तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है कि हम ना इसको फॉन्ट्स, इसके अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है ना उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, पहले का देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 16 पिक्सल, ठीक है,
दूसरे को मैं फ़ोन साइज़ रख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सल, ठीक है। तीसरे का मैं फ़ोन साइज़ रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 24 पिक्सल, ठीक है। इसका मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 28 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 32 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीका होता है इनको, इनका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करने का, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, पैडिंग इन सबको मैंने सेम दे दिया और कलर भी सेम है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ मैं ऑलरेडी सबको डिफरेंट दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मार्जिन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ओके। तो ये आप गौर करना, ये करता हूँ मैं रिफ्रेश, और ये आपने गौर किया, ये देखें जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया तो उससे ऑटोमेटिक क्या हुआ, मेरे बटन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे पास एक सबसे आसान तरीका है अपने बटन का साइज़ इंक्रीज़ करने का, कि आप सिंपल करो अपने फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो ये देखो सबके फोन साइज इंक्रीज होने से क्या हुआ, बटन के साइज इंक्रीज हो गए। तो हमने चार चीजें सीखनी है, सिंपल बटन क्रिएट करना, बैकग्राउंड कलर लगाना, बॉर्डर कलर लगाना, और अवे समसा इनका साइज इंक्रीज करना। अब हम नेक्स्ट चीज का सीखनी है, नेक्स्ट चीज हमने ये सीखनी है कि इनको डिफरेंट बॉर्डर रेडियस हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो सीखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने चीज सीख ली, अब हमने क्या करना जी, इन सबको फोन साइज सेम दे देते हैं। तो मैं यहां पे फोन का साइज जो है वो इनका काट देता हूं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है। अब इन सबको मैं सेम क्या देने वाला हूँ, डिफरेंट क्या देने वाला हूँ, ठीक है। इन सबको डिफरेंट मैंने देना है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस कैसे कैसे हमने देना, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट को बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 2 पिक्सल का। आपको पता है जैसे जैसे बॉर्डर रेडियस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड होते जाते हैं। इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल, इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 6 पिक्सल, इसको मैं 4 वाले को देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, और इसको मैं देता हूँ 50% मीन हाफ राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देखा इनको राउंड करना, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये आपने गौर किया, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इनको ये देखो, इसको मैंने 2 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दिया तो ये थोड़ा थोड़ा राउंड हुआ, ये ज़्यादा राउंड हुआ, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और ये बिल्कुल ही ओवल की शेप बना लिया इसने अपनी, ओके। तो ये था डिफरेंट बॉर्डर रेडियस। अब हमने क्या देखना है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने ये सीखनी है कैसे हम जो है ये बॉर्डर रेडियस देख लिया, अब इनको जो है, हाँ यस, एक बटन मैंने आपको क्या बताया था, हम एक बटन का ग्रुप बना सकते हैं। अब हम बटन ग्रुप बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बटन ग्रुप बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये आप सारे रिमूव कर दो, उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, ओके। और उसके लिए मुझे इन BTN 1 और BTN 2 इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब देखना ज़रा आप गौर करना, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये पैडिंग दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर दे दिया, कर्सर पॉइंटर फ़ॉन्ट साइज मार्जिन ये सारा कुछ दे दिया। अब देखें सिंपल सा इसका तरीका ये होता है, अगर आपने अपने इस तमाम जो जितने भी बटन है, अगर मैं देखें इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 16 पिक्सल पर ले जाता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बटन ग्रुप नहीं है। बटन ग्रुप क्या होता है, एक लाइन के अंदर तमाम के तमाम बटन आपस में जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे हम कहते हैं बटन ग्रुप। वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सिंपल, दोस्तों आप दो प्रॉपर्टी CSS3 में यूज़ करते हो, एक डिस्प्ले की, एक फ्लॉट की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लॉट। फ्लॉट मीन कि आपने अपने इन तमाम बटन को किस तरफ फ्लॉट करना है, फ्लॉट मीन किस तरफ लेके जाना है, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ। तो मैंने कहा फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लिख दिया, ओके। देन उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिस्प्ले की, कि आपने डिस्प्ले कैसे करना है, अपने तमाम बटन को एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है कि डिफरेंट लाइन में। अगर तो डिस्प्ले आपने करना है अपने तमाम बटन को डिफरेंट लाइंस में, तो हम उसके लिए लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन अगर हमने इनको एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन, इन LIN इन लाइन ब्लॉक, ठीक है, इन लाइन ब्लॉक। अब आप गौर करना ज़रा, ये रिफ्रेश करता हूँ और अभी देखें आप कुछ कैसे ये नज़र आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हम निकाल दिया, ओके। अब देखें ज़रा, अब ये हुआ क्यों नहीं, आपस में अलाइन क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह ये हमने मार्जिन दिया हुआ था। मैं ये मार्जिन हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्जिन 0 पिक्सल ये लेफ्ट ऊपर से दे देता हूँ, लेकिन लेफ्ट और राइट से मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, 0 पिक्सल, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करना,
जीरो पिक्सल कर दिया, ये मैंने किया रिफ्रेश और ये आपने गौर किया ये सारे के सारे आपस में कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये असल में इनके बैकग्राउंड ये दरमियान में आपको जो स्पेस नज़र आ रही है ये क्यों आ रही है ये ख़त्म करनी है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर ब्लैक, ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, मार्जिन ठीक है, कर्सर पॉइंटर ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। ओके, ये मैंने ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ओके, और एक और चीज़ सॉरी, वो ये कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये लाइन है ये बॉर्डर असल में बॉर्डर है इसका। ओके, तो हम चाहते हैं ये बॉर्डर भी हमें नज़र ना आए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर नन। ठीक है, नन बॉर्डर आप नन कर दो इसका। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ख़त्म कर दिया, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो ये सारे बटन एक ग्रुप की शेप में बन चुके हैं ये। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि इनके दरमियान ये बॉर्डर भी मेरी मर्ज़ी से आए प्यारा प्यारा सा, ओके, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करो, आपको बॉर्डर नन की बजाय आप बॉर्डर लिख दो यहाँ पर, बॉर्डर जो भी आपने देना। तो मैंने कहा बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे बॉर्डर आ जाएगा इनके दरमियान में। तो रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये इन ये अभी भी बटन ग्रुप है लेकिन इनके दरमियान क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है, आई होप फुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लास्ट पे ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं। ओके, फॉन्ट्स, बटन के साइजेस, बटन के ग्रुप्स, बटन के ग्रुप विद बॉर्डर, बटन के विद बैकग्राउंड कलर्स, बटन का बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें सीखी। अब हम लास्ट पे एक अवेसम सा बटन क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैडिंग, बैक कलर बैक ब्लैक ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर ठीक है। ओके, तो मुझे उसके लिए सिर्फ एक बटन की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आई होपफुली आपको। तो पैडिंग ये ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसे दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसे, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये वाला 555। ठीक है, ये मैंने दे दिया, ये देखो कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ये, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और कर्सर पॉइंटर, फाउंट साइज 16 पिक्सल, मार्जिन ये, ओके, फ्लॉट लेफ्ट और राइट जो भी आपने करना है, फ्लॉट लेफ्ट और आप राइट की ज़रूरत नहीं है, ये दो प्रॉपर्टी हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये करता हूँ इसे रिफ्रेश और ये देखें ये आपको बटन कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट और राइट से मार्जिन दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन 25 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ और ये आपको बटन नज़र आ रहा है। अब इसे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे होवर इफेक्ट देता हूँ। मैंने कहा डॉट जो मेरा बटन है जब उसे करूँ मैं होवर तो क्या हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। और एक और काम ये करना है मैंने, वो ये कि बॉर्डर जो है इसका बॉर्डर वो 2 पिक्सल सॉलिड किस कलर का हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर उठा लेते हैं कोई भी, तो फॉर एग्जांपल ये कलर उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये कर लिया। ओके, तो ये करने के बाद अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और एक और काम मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रांजिशन भी ऐड कर दो। ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में ऐड कर देता हूँ किसके ऊपर, एक बैकग्राउंड कलर के ऊपर, बैकग्राउंड कलर के ऊपर, और बैकग्राउंड कलर के ऊपर कितनी देर में, 1 सेकेंड में। ठीक है, किस अंदाज के साथ, लीनियर अंदाज के साथ। ओके, और दूसरा किसके साथ, दूसरा मैं ऐड करता हूँ बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर 1 सेकेंड में लीनियर अंदाज के साथ। ठीक है, ओके, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये आप गौर करना, ये देखो जैसे रिफ्रेश करता हूँ और ये आप गौर किया, ये आपके बटन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखो मैं छोड़ता हूँ तो 1 सेकेंड ले रहा है वो अपनी ट्रांजिशन को कम्प्लीट करने में। ओके, तो अगर आप टाइम ज़्यादा कर देंगे ये ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, तो ये एक
प्यारा सा वेसम सा बटन आपके सामने तैयार हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप क्या कितनी चीज़ें सीखी हैं। देखें मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने पहले ये सीखा सिंपल बटन क्रिएट करना, देन हमने बटन के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देना सीखे, फिर देन हमने बटन के डिफरेंट बॉर्डर रेडियस सीखे, फिर हमने बॉर्डर के डिफरेंट कलर देखना देना सीखे, फिर हमने ये सीखा हम कैसे बटन का ग्रुप बना सकते हैं विद आउट बॉर्डर, फिर हमने विद बॉर्डर देखा, और लास्ट पे हमने एक अवेसम सा विद ट्रांजिशन इफेक्ट एंड विद होवर इफेक्ट जो है बटन क्रिएट करना सीखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और CSS3 की कोई नई प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो अपना नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।